साल की तरह इस साल भी चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर चरोदा स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पुजारी संतोष शर्मा द्वारा पूरे विधि विधान से 9 दिनों तक पूजा अर्चना कर ज्योति कलश की स्थापना की गई थी। वहीं हवन पूजन के साथ जो जवारा विसर्जन बड़े ही भक्तिमय माहौल के बीच किया गया, जिसमें छोटी छोटी कन्याओं ने अपने सिर पर कलश रख जो जवारा का विसर्जन किया। माँ भवानी की जय। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री हनुमान जी मंदिर चरोदा में नवरात्रि का कार्यक्रम संपन्न की ओर है। यहाँ पे अभी प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 421 ज्योति कलश स्थापित हुई थी और आज उनकी विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न, प्रसाद वितरण हो रही है, संपन्न हो रही है और थोड़ी देर में संपन्न हो जाएगी। जिस तरह से हमारे समस्त ग्रामवासियों का सहयोग जो श्री हनुमान मंदिर को मिलता है, वह टूट है उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति। आज मैं 50 वर्षों से दिखते आ रहा हूँ कि जिस तरह से ये लोग अपना अमूल्य समय दे करके वाकई में उस समय झलकती है कि भगवान के प्रति लोगों की आस्था प्रेम कितनी है। और इसी तरह से मैं आशा रखता हूँ कि वो लोग भी इसी तरह अपने मन जो है उस परमात्मा की ओर अटूट श्रद्धा, अटूट भक्ति के साथ लगी रहे। आज अभी हमारे यहाँ प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हमारे विजय बघेल जी सांसद जो थे हर वर्ष आते थे। इस समय हमारी कोई कार्यक्रम सुबह का था, वो त्रुटि हो गई, शाम को हुआ, इस कारण से व्यस्त होने के कारण आज वो उपस्थित नहीं हो पाए। और उनकी फ़ोन जरूर आई थी, हमने कहा कि हमारी कार्यक्रम जो है शाम को संपन्न होगी, इसलिए वह अनुपस्थित रहा। ये रही और मैं बस एक ही आशा रखता हूँ कि जिस तरह से हमें लोगों का, समस्त ग्रामवासियों का सहयोग जो हनुमान मंदिर चरोदा को मिलता है और मिलता रहेगा, मैं इसी आशा के साथ सबके लिए हनुमान जी से, माँ जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ कि सबके परिवार को सकुशल सुखी रखे। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए दुर्गा मैया की जय।